हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे 13.5 का प्रश्न संख्या 1-2 कंप्लीट हो गया है और हम लोग देखेंगे 13.5 का प्रश्न संख्या 3। यदि मेरे चैनल पे नहीं है तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। एक यहाँ से है कि जैक जो बोर्ड है, ठीक है, जैक जो बोर्ड है, जैक बोर्ड के लिए आपका एक मॉडल सेट है, ठीक है, मॉडल सेट 1-5 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैनल पे जाकर के मॉडल सेट 1-5 देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम के लिए केवल एग्जाम के लिए हमने एक क्लास चालू की है, केवल एग्जाम, ठीक है, ओनली क्या होगा, एग्जाम के लिए एक क्लास चालू है। और वह टॉपिक जो है आपका वेक्टर से उठाया गया है, क्या चलाया गया है, वेक्टर से, सदिश से। तो आप इस चैनल पे जा करके और क्लास को अच्छी तरह से देख सकते हैं, कंटिन्यू देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। केवल यहाँ से जो चीजें एग्जाम के लिए चलेगा वही चलेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी टाइप का प्रश्न हम लोग देखेंगे। पक्का है कि उस टाइप से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे हम लोग केवल क्या देखेंगे, VVI ही प्रश्न देखेंगे एग्जाम के लिए। फिलहाल यह मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम लोग चलेंगे एग्जाम के तरह से कि रिवाइज चल रहा है। फिलहाल अभी 13.5 के जो संख्या है वो 3 है, प्रश्न संख्या क्या है, 3 है। 3 में बोला क्या गया है, देखिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक पेन, कलम और क्या रहना चाहिए, बुक रहना चाहिए। इसमें बोला है कि वस्तु है और उस वस्तु के एक ढेर है और उसी ढेर में से 5% त्रुटि रहित वस्तु में है। मतलब जो डिफेक्टिव वस्तु है, डिफेक्टिव आइटम है, वह 5% है। हम लोग यहाँ से लेट लिखेंगे x बराबर, मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, डिनोटेड बाय द डिफेक्टिव आइटम या नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट्स, ठीक है, डिनोटेड बाय द, ठीक है, डिनोटेड बाय द क्या करेंगे, नंबर, या सीधी सी छोटा सा लिख देते हैं नंबर ऑफ, क्या करेंगे हम लोग, डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, आइटम्स। तो जो डिफेक्टिव वस्तुएं हैं वह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव वस्तु। यहां से देखेंगे जो इसकी क्या फर्कता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि वस्तु नहीं है। ये जो टोटल है ns इक्वल टू कितना है, कि आपका टोटल क्या है, 10 है, ठीक है, 10 है। पी है, पी कहने का मतलब क्या है कि 5% को डिफेक्टिव दिया है, क्या करेंगे, 5% क्या है, वो डिफेक्टिव है। प्रतिशत को हटाएंगे तो 5/ कितना आ जाएगा, 100 आएगा। इस कटेगा 1/20, यानी कि जो पी का वैल्यू आया 1/20 आया। सिंस क्यूब इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1-P होता है। अब क्यूब इक्वल टू 1/1 क्या करेंगे, 20 हो जाएगा। क्यूब इक्वल टू क्या होगा जी, 20, और यहां से 20-1 डेट इक्वल टू 19/ क्या होगा, 20 हो जाएगा। एक आया क्यूब का वैल्यू और यहां से क्या है, पी का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ns, मतलब एक टोटल जो वस्तु की संख्या है आपका 10 है तो वह n का ही काम करेगा, सीधा 10 लिख देंगे। टोटल जो है n का ही काम करेगा। आपसे पूछा क्या है कि एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक आपका डिफेक्टिव आइटम चाहिए। नोट यहाँ से लिखेंगे, नोट मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, क्या लिखा जाएगा, डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, आइटम। दैट इज इक्वल टू, यहां कहा क्या है कि एक से अधिक नहीं है, एक से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जी, एक से अधिक नहीं है। दैट इज इक्वल टू, या तो x इक्वल टू 0 होगा, अब प्लस क्या करेंगे, x इक्वल टू 1,
एक से अधिक नहीं है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। एक आप चीजें बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं, बताइए एक बाइनोमियल हमने पढ़ाया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, एजिंग बाय बाइनोमियल, क्या लिखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चे। ये होता क्या है कि पी होता है, क्या होता है, पी होता है एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, बड़ा एक्स छोटा एक्स, एक्स मतलब जीरो 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 वन, एल सी एक्स और ए क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा, पावर पी हो जाएंगे और पावर क्या होगा, क्यू एन एच, ठीक है। जब इसमें हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये बोला क्या है कि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे चलेंगे, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, दस रखेंगे, थोड़ा सा और इसको हम लोग बढ़ा देंगे कि एक्स इक्वल टू एक्स है, एन का वैल्यू दस है, सी एक्स, बी का वैल्यू कितने बचे है, वन बाई बीस है, वन बाई बीस अब पावर में एक्स होगा और उन्नीस बट्टा कितना लिखेंगे, बीस, अब पावर में क्या होगा, दस माइनस एक्स होगा, दस माइनस एक्स होगा। यदि एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इक्वल टू वन, डेट इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, अब इस वाले में हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, वन बाई बीस, देखिएगा ए जीरो हो जाएगा, उन्नीस बटा क्या होगा, बीस, और दस माइनस क्या होगा, जीरो, बीच में प्लस होगा। अब जहां पे दस है वहां पे वन रखेंगे, ठीक है, क्या लिख, दस नहीं, जहां पे जीरो है या एक्स है वहां पे वन रखेंगे, तो दस वन ये हो जाएगा बीस वन, और उन्नीस बटा क्या होगा, बीस, अब पावर कितना देंगे, दस माइनस वन देंगे। आपको एक हम छोटा सा नोट पढ़ाया रखे थे, नोट क्या पढ़ाए थे, उस वाले नोट को ध्यान देंगे, जब यहाँ से एन जीरो रहेगा तो सीधी सी वैल्यू कितना होती है, उसका वन हो जाएगा, अगर एल सी वन होगा तो सीधा एन आंसर आया जाएगा, क्या आएगा, एन आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, टेन जीरो, एन का वैल्यू कितना है, टेन है, तो टेन जीरो मतलब एन जीरो वन, इस वाले को वन हो जाएगा। किसी भी पावर, किसी भी संख्या के पावर जीरो रहेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होता है, इस वाले में देखेंगे तो उन्नीस बट्टा बीस, अब पावर कितना आएगा, दस, बीच में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, एन सी वन, एन मतलब फाइव टू थ्री फोर टेन, एन सी वन, टेन सी वन, एन का वैल्यू टेन, तो एन लिखेंगे तो इस वाले में कितना आएगा, टेन, और एन टू क्या होगा, वन बाय बीस, एन टू कितना होगा, उन्नीस बट्टा, बताइए जी, उन्नीस बट्टा बीस, और पावर क्या होगा, नाइन होगा। ध्यान से देखेंगे अगले वाला स्टेप पे हम लोग लिखेंगे तो उन्नीस बट्टा कितना आ जाएगा, बीस, पावर कितना होगा, दस, दस दूना, देखिए कट भी रहा है, फिलहाल हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इसके बटा में बीस है, इसके भी बटा में बीस आ जाना चाहिए, थोड़ा एलसीएम लेने में हम लोग सुविधा लेंगे। यहाँ पे उन्नीस बटा बीस के पावर दस है, और उन्नीस बाई क्या है, बीस है, और पावर क्या है, नाइन है, तो इस वाले की क्या करते हैं बच्चे, इस वाले को कॉमन करते हैं, उन्नीस बटा क्या होगा, बीस हो जाएगा, और पावर कितना होगा, नाइन होगा, पावर कितना होगा, नाइन होगा। इस वाले से नौ निकलेगा तो एक तो बचेगा, उन्नीस बटा बीस बचेगा, इस वाले से टोटल चीजें निकल गया तो क्या बचेगा, दस बटा बीस मिलेगा, और 20 और 20 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या मिलेगा, बीस ही मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि उन्नीस बटा क्या होगा, 20, और पावर क्या होगा, उन्नीस, इस वाले को एलसीएम 20, तो 19 प्लस 10 होगा, 19 प्लस अगर 10 हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 19 प्लस अगर हम 10 जोड़ेंगे, सॉरी जब इसको 19 बट्टा 20 है ना, हाँ 19 प्लस अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 होगा, कितने हो जाएंगे बताइए, 29 होगा, और 29 बटा क्या होगा, 20, अब भाई 19 बाई 20 को हम पावर 9 करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा ना, तो आंसर क्या आपका मिलेगा, ये फिर से थोड़ा समझ लेंगे, ये चीजें आपको याद नहीं करना है, ठीक है, कि इस वाला में लिखना है, याद रहना चाहिए, लेकिन इस वाले में लिख मत दीजिएगा या अलग नोट कीजिएगा।
एक्स इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है, एन इक्वल टू क्या है 10 है, टोटल जो आइटम है कितनी है 10 है, 10 में से 5% क्या है खराब है और डिफेक्टिव के बारे में ही पूछा हुआ है, तो वह पी के काम करेगा, प्रतिशत को हटाएंगे 100 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा काटने के बाद। जैसे हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो सिंस Q इक्वल टू 1 में से P घटाइए तो 1/20 घटाइएगा तो 19/20 मिलेगा। अब यहां से बोला है कि एक से अधिक जो वस्तुएं हैं वह खराब नहीं है, तो हम क्या करेंगे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बाइनोमियल हम जानते हैं, n का वैल्यू कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे और इस केसोल्व P और Q का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसलिए P x इक्वल टू 0 प्लस P x इक्वल टू 1 ना? अब देखिए जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 रख दीजिए और बीच में प्लस करके जहां पे x दिख रहा है 1 रख दीजिए। इस वाले देखिए lc0 तो 1 होगा और lc1 रहेगा तो n होगा, इस वाले को वैल्यू 1, ये भी 1 बच गया ये। अच्छा tan c1 है तो सीधा हम लोग tan लिखेंगे और a रखेंगे, बाकी गुणा कर लेंगे, इस वाले को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे 9 हुआ है, पावर तो 9 कॉमन होगा तो 19/20 और 10/20 एलसीएम लेंगे तो आंसर होगा। यह आपका क्या था नंबर 3 था, बहुत अच्छा था, छोटा सा था। हम लोग देखेंगे अब नंबर 4, कंटिन्यू क्लास को देखेंगे, अच्छा समझ में आएगा। अब संख्या चलेंगे हम लोग नंबर 4 चलेंगे, नंबर देखिए 4 है, एक ताश की गड्डी है और उस ताश की गड्डी में जो संख्या होता है 52 होता है, तो सीधा हम लिखेंगे ns इक्वल टू नंबर ऑफ जो कार है वो टोटल कितना है जी 52 है। यहां से देखेंगे उस 52 पत्ते को बहुत अच्छी तरह से उसको फेंटी गई है और उसमें से 5 पत्ता क्या है कि बिना प्रतिस्थापन निकालेंगे, 52 में से क्या है कि 5 ही पत्ता निकाला गया है, कितना पत्ता निकाला गया है 5 ही पत्ता निकाला गया है, तो वह n का वैल्यू काम करेगा, कितना पता निकाला गया नंबर ऑफ जो कार्ड है वो क्या है 5 है, नंबर ऑफ जो कार्ड है वो 5 है। उसके आगे पूछा है कि जो पता निकाली गई है वो हुकुम के है, क्या है हुकुम के, तो ए बताइए x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है नंबर ऑफ, अब बताइए हुकुम के लिए क्या होता है जी, ठीक है स्पीड होगा कार्ड, टोटल कितने होते हैं बताइए, अरे हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13 है ना, संख्या कितना हो जाएगा 13, अगर P निकालेंगे तो 13 बटा कितना आ जाएगा 52, इसको काटिएगा तो 1 बटा क्या आएगा 4 आएगा, 1 बटा कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद Q इक्वल टू सिंस 1 में से P घटाइए, ज्यादा सोचना ही नहीं है तो 1 माइनस 1 रही 4 क्या आएगा 3 बटा 4 आएगा, Q का वैल्यू P का वैल्यू N का वैल्यू पता ही चल गया ना, ये आपको समझ में आ गया। उस वाले में फिर पूछा है कि सभी 5 पते हुकुम के, पहला जो प्रश्न है जो पांचों पता निकाले हैं उस गड्डी में से तो पांचों क्या है हुकुम के है, तो P x इक्वल टू कितना होगा 5, पहले सीध थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है इसको क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स ना, पी के पावर एक्स और पी के पावर माइनस क्या होगा एक्स होगा। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये बताइए पी एक्स इक्वल टू तो एक्स ही होगा, एन का वैल्यू कितना दिख रहा है 5 है तो 5 रह दीजिएगा 5cx हो जाएगा, p का वैल्यू 1/4 है 1/4 के पावर x, q q इक्वल टू क्या है 3/4 पावर क्या होगा 5 - x, और यह समीकरण क्या लिखेंगे ऊपर, समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो पांच पता निकाला गया है वह हुकुम का है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x इक्वल टू 5 है, तो अब बताइए इस वाले समीकरण से चलेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इस वाले समीकरण को पकड़ेंगे तो x के जगह पर 5 रखिएगा ना, तो 5c5 हो जाएगा 1/4 होगा और यहां से 5
3 बाई 4 और यहां से 5 माइनस 5 होगा। देखिए एक चीजें और है कि अगर एन सी एन रहेगा तो सीधी सी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा जी 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा इनटू 1 बटा 4 की पावर क्या है 5 है 3 बटा 4 पावर क्या होगा 0। इस वाले फैक्टोरियल से काटेंगे 5 में से 5 हटाएगा 0 और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ये टोटल चीजें क्या मिल गया 1 आ गया। दोनों इक्वल है तो फिर भी हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1 बटा कितना है 4 की पावर 5 है और 3 देखिए 3 बाई 4 की पावर 0 1 होगा। 1 को हम लोग क्या करेंगे 5 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 1 ही मिलेगा। और 4 के पावर 5 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल संख्या कितना मिलेगा आपको 1024। इस वाले को देखिए 4 के पावर अगर 5 है इसका मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4 इसको फेल कीजिएगा तो 10 से क्या मिलेगा 24 मिलेगा। यह आपका नंबर क्या था 1 था। क्या नंबर था 1। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे वाले में। देखिएगा दूसरे में बोला है कि 3 पत्ते ही हुक्म के हैं। कितने पत्ता है 3 पत्ते क्या है हुक्म के मतलब x = 3। आप बताइए जी फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ देखिए है px = 3 जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखिएगा 5c3 यहाँ से क्या होगा 1/a^3 और 3/4 5 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का फैक्टोरियल इनटू 1/4 के पावर 3 और 3/4 के पावर कितना होगा 2 होगा। 5 का फैक्टोरियल को हम कहां तक आ सकते हैं ना कहां तक आ सकते हैं देखिएगा 5 का फैक्टोरियल हम 5 × 4 × 3 लिखेंगे बटा 3 का और 2 का फैक्टोरियल 1 × 2 इसमें 1/4 पावर 3 और 3/4 का स्क्वायर यह फैक्टोरियल से कटेगा 5। देखिए 5 गुने 4 करेंगे 20। अब 20 को काटिएगा चाहे 2 से काटेंगे 5 गुना भी कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 इंटू इसको 3 बार गुना करेंगे तो 1/ कितना आएगा 64 आ जाएगा। इसको 3 बार गुना 9 बार ना 3 × 9 और 4 से गुना कितना होगा 16। अब बात है कि इसको गुना करेंगे पहले ये गुना कीजिए 90 और 64 गुने 16 करेंगे तो 10 का कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो यह नंबर आपका क्या था बताइए नंबर क्या था सेकंड। ठीक है 5 3 इस वाले को देखो 2 से काटना है तो काटिए नहीं काटना है तो छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये 200 कटेगा तो 45 और ये 500 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा काट सकते हैं। ठीक है अब आपके पास नंबर क्या है 3 है। नंबर आपको बोला क्या गया है 3 में कि एक भी जो पता है वह हुकुम का है ही नहीं था। ठीक है मतलब कोई नहीं है एक भी पता हुकुम का नहीं है तो इसका मतलब px = क्या है 0 px = 0। कौन से समीकरण लिखेंगे जी बच्चे 1 से समीकरण 1 आप देखिए ना समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 कहाँ है यहाँ देखिए तो px = 0 जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 रखेगा तो 5 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जी 1 के पावर देखिए 1/4 के पावर x है तो 0 होगा और 3/ क्या है 4 है और 5 − 0। हमने एक बताया है कि जब ये 0 है जब क्या है 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। देखिए c अगर n c 0 तो सीधी सी बात है 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 3/4 ना / 5 तो ये 1 से गुना करेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर 3 को 5 बार गुना करेंगे 3 को 5 बार गुना करेंगे तो 243 मिलेगा 4 को 5 बार गुना करेंगे तो 1024 मिलेगा। तो यही चीजें था फिर से थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहाँ से टोटल जो कार्ड में संख्या होता है ताश खेलने वाला जो ताश होता है
इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं और इसमें बोला है कि जो पांच पत्ते को निकाला जाता है तो ये इक्वल टू 5 हो गया। x किसको बताता है तो हुकुम के पत्ते को, तो नंबर कितना होगा 13 होगा। p इक्वल टू 13/52 1/4, q का वैल्यू 1 माइनस p कर देंगे 3/4 आएगा, बाइनोमियल यही होता है ना। बाकी x इक्वल टू n का वैल्यू 5 रखे और p और q का वैल्यू दोनों पुट करके सीधा कर दिए नंबर 1। पहला प्रश्न है कि x इक्वल टू 5 मतलब पांचों पता हुकुम का है तो x के जगह पर 5 आप रख दीजिएगा। इसमें सॉल्व करेंगे 1/10/14, x बराबर 3, तीन ही पते हैं तो x के जगह पर 3 पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। बोला है कि कोई भी पता हुकुम का नहीं है मतलब x इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए और यहाँ से आंसर आ जाएगा। यह आपका नंबर कौन था 4 था। अब हम लोग देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 है कि किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 50 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की जो प्रायिकता दिया है 0.05 है। अब थोड़ा सा बड़ा लंबा लिखेंगे तो शॉर्ट में ही काम चला देंगे कि आपका जो एक्स है वो नंबर ऑफ क्या करेंगे बल्ब डेट विल बी फ्यूज आफ्टर कितने 150 डे, ठीक है, ऑफ द इन एन एक्सपेरिमेंट। सीधी सी बात है कि देखिए गिवन डेट हम लिख देते हैं कि पी का जो वैल्यू दिया है वह दिया है 0.0 मतलब इतना चांस है इसकी खराब होने के लिए, कहां तक है जी बच्चे 0.05। q इक्वल टू 1 माइनस p होता है तो q इक्वल टू 1 माइनस हो जाएंगे और 0. क्या होगा 0.5 हो जाएगा, 0.0 क्या होगा 5 होगा। अब घटाइएगा तो 0. क्या आएगा 95 आएगा, 0. कितना आएगा आपका 95 रहेगा। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे क्या बोला है एक समझिए कि टोटल जो बल्ब है वो 5 ही है ना, नंबर ऑफ जो बल्ब है कितना है 5 है तो n इक्वल टू कितना है 5 है तो 5 हो ये गया। उसके बाद p q और n का वैल्यू पता चल गया कि 5 है। उसके बाद है नंबर 1 है, पहले तो बाइनोमियल हम चलो उतना नहीं लिखेंगे, सीधे ही बच्चे क्या लिखेंगे भाई पी एक्स इक्वल देखिए बड़ा एक्स लिखेंगे इक्वल टू छोटा एक्स, ये होता है एन सी एक्स पी के पावर एक्स। बहुत अच्छा है ये फॉर्मूला से आपको 3.5 और 3.4 कंप्लीट हो जाएगा ना। आगे हम लोग बोलेंगे तो पहला सा देखेंगे ये बोला क्या है कि पहले आगे देखिए और आगे पी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एन का वैल्यू 5 है सी एक्स, पी का वैल्यू कितना है बचे 0.05 है। भाई देखो यहाँ पे क्या है क्यू का वैल्यू कितना है भाई 0.5 क्या है 95 है और एन एन का वैल्यू कितना है 5 माइनस है, यह समीकरण क्या होगा 1 हो गया। समीकरण क्या होगा 1। पहले वाला में बोला गया है कि 150 दिन आएगी यदि हम बल्ब को जलाते हैं ना तो एक भी खराब नहीं है, एक भी नहीं है इसका मतलब कोई खराब नहीं है, नन लिखा हुआ है, क्या लिखा है नन मतलब कोई भी खराब नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, x इक्वल टू 0 डेट इज इक्वल टू देखिए x का वैल्यू कितना आएगा 0 तो समीकरण एक में रख दीजिए c 0 0.05 पावर 0 और 0.95 5 माइनस 0। हमने एक बता रखा है कि nc 0 होता है तो 1 हो जाएगा और nc 1 है तो इसको n लिखेंगे और दोनों अगर इक्वल है भाई तो 1 ही लिखेंगे। इस वाले को बार बार आप याद रखिएगा कि अगर nc 0 है तो सीधा 1 होगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, n c 1 है तो सीधा यही वाला n लिखेंगे और n n बराबर होगा फिर भी 1 हो जाएंगे। तो n 0 है, n 0 है तो क्या होगा इसका वैल्यू 1 क्योंकि n 0 का मतलब 5 है तो ये 1 होगा ना 1। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा और घटाइएगा तो 0.95 का पावर 5 है ना, और इसको गुणा करेंगे कर लीजिएगा तो 0.95 पहला आंसर कंप्लीट हो। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे नंबर 2 बढ़ेंगे। अब से नंबर पूछा क्या है कि नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है भाई यहां से देखिए p जो है 1 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0
अब प्लस क्या होगा, x इक्वल टू वन होगा, दैट इज इक्वल टू, अब समीकरण हम लोग x पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन क्या चलेंगे, वन का कोई परेशानी है क्या, नहीं ना, क्योंकि x से ज्यादा खराब नहीं है, तो भाई x से ज्यादा है तो खराब भी नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। एक बार हम लोग देखिए समीकरण एक यहाँ पे है, x बराबर जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे x बराबर जीरो, तो भैया यहाँ पे जीरो रखेंगे तो फाइव सी जीरो होगा, कैसे भैया रखा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है, थोड़ा कीजिए आप समझ करके, और x का वैल्यू आप जीरो रखिएगा क्या होगा 0.05 पावर जीरो हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि क्या होगा 0. होगा 95 माइनस जीरो, बीच में प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, अब x इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या होगा 51 और 0.05 पावर कितना हो जाएगा x और 0.055 माइनस वन। अभी सबको सॉल्व करेंगे, हमने बोला कि जब a जीरो होता है, 5c जीरो है तो वैल्यू क्या होगा वन, अब 5c वन है तो क्या करेंगे a लिखेंगे, इस वाले को देखिए बहुत आसान से, x का वैल्यू वन है ना, तो a तो वन हो जाएगा और a भी वन हो जाएगा और ये क्या मिलेगा जी 0.95 के पावर 5 होगा, प्लस होगा, ए भी देखिए 5c1 a c1 मतलब a 5 होगा, 0.05 है और 0.95 के पावर 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए a 0. क्या मिलेगा 95 के पावर 5 होगा प्लस, इस वाले को गुना कर दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 0.25 और 0.95 के पावर, भैया ये देखिए यहाँ पे 4 पावर है और यहाँ पे कितना पावर है 5 है, 4 और 5 पावर है तो आप कॉमन तो कर सकते हैं ना, तो 0.95 के पावर 4 यहाँ से 1 मिलेगा कि क्या मिलेगा 0.95 मिलेगा प्लस 0.25, इस वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95 को और 0.5 को और 0.95 को जोड़िएगा तो 1. क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 0.95 के पावर 4 होगा और ये 1.2 होगा। अब यही आंसर छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, तो यह नंबर आपका कौन था 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले में बोला है, यही बोला गया है भाई, ठीक है, यह नंबर 2 था और तीसरे में बोला गया है एक से अधिक नहीं, और अब की बार बोला गया है एक से अधिक, नंबर 3 है, 3 आप कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है कि थोड़ा छोड़ देते हैं, यही आंसर आएगा बस, 1 में से घट जाएगा। ये बोला क्या गया है कि एक से अधिक और इस वाला में बोला है कि एक से अधिक नहीं था, तो एक से अधिक क्या हो सकता है बताइए, आपका 1 हो सकता है 2, 3, 4 करेंगे 5 करेंगे तो उसमें 1 से घटा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, तो जैसे 4 जैसा है, 4 में ये बोला है कि एट लीस्ट 1, कम से कम 1, कम से कम क्या बचे x, एक से अधिक भी हो सकता है ना, इसका मतलब हुआ px = 1, px = क्या हो जाएगा बच्चे बताएंगे 2 ना, 1, 2 डॉट डॉट क्या करेंगे px = 5 तक। भैया आप बताइए कि जब हम x = 0 पर निकालेंगे तो इतना काम करना पड़ा, अगर 1, 2, 3, 4, 5 को निकाल के जोड़ेंगे तो थोड़ा लंबा काम पड़ेगा ना। अब यहाँ से देखेंगे कि टोटल जो संख्या है 5 है, टोटल संख्या कितना है 5 है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, आप बताइए कि 1 से लेकर 5 तक शामिल है ना, 3 नहीं है, ये चीजें 4 है ना, आप 3 बना दीजिएगा, कोशिश करना क्या है बस इसी वाले को लिख देना है 0, 1 से, बाकी आगे देखेंगे तो उसको घटा लेंगे 0, 1 तुरंत हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तो शामिल है, तो कौन शामिल नहीं है 0, तो इसका मतलब 1 में से क्या करेंगे px = 0 करना है, क्यों हमें देखिए p का वैल्यू पता होता है, तो
जो जिसको पता करना है तो वन में से जिसका पता है उसको घटा दीजिए। भाई पांच को तो पता ही था, कौन पता नहीं है, x इक्वल टू जीरो शामिल नहीं है तो वन में से पी एक्स इक्वल टू घटा लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वन माइनस x इक्वल टू जीरो पर क्या निकला हुआ है, 0.0.95 ये आपका प्रश्न का कंप्लीट हो गया। और आप 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट कर सकते हैं कि ये 3 कंप्लीट नहीं होने पाया या दिक्कत है परेशानी है, तो उसको हम सॉल्व करके फिर से अपलोड कर देंगे। तो यह नंबर केवल था 5। अब हम लोग देखेंगे नंबर 6। तो नंबर क्या है, 6 है। एक थैले में जो गेंद है वो 10 है, ठीक है, तो ये बराबर कितना है 10। x इक्वल टू बोला यही है कि उस जितने भी बल्ब है उसमें 0 से क्या लिखा हुआ है, 9 तक लिखा हुआ है, 0 से क्या लिखा हुआ है, 9 तक लिखा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टोटल संख्या क्या है कि बच्चे 10 है, ns इक्वल टू 10 लिख देंगे। उस वाला में से 4 ही बल्ब को निकाला गया है, ध्यान से देखिएगा उसमें से कितने बल्ब निकाला गया है, 4 थे, बताइएगा कितना बल्ब निकाला गया है। देखिए a इक्वल टू 4 ही निकाला गया है ना। आगे यहां से बोला क्या है, सुनिए ध्यान से कि नन वन, देखिए p ठीक है, नन मार क्या है ये विथ जीरो, विथ हम लोग क्या करेंगे जीरो, ठीक है, मतलब जीरो लिखा ही नहीं है, जीरो के बारे में बोला गया है, किसके बारे में, जीरो के बारे में। तो बताइए जीरो से नौ तक लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जीरो कितनी बार आया है, एक बार। तो बताइए पी का काम करेगा 1/10, तो क्यू का क्या काम करेगा जी, 1 में से p 1/1/10, ठीक है, 1 - 1/10 यानी कि 9/10 हो जाएगा। आप ये बताइए इसका मतलब यही हुआ जी, p x इक्वल टू 0 पूछा हुआ है, 0 पर गया हुआ, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये चीज ऐसे लिखना है बस। अब आप ये बताइए बाइनोमियल क्या होता है, सिंस p x इक्वल टू x होता है, n c x p के पावर x और n माइनस x होता है, p x इक्वल टू 0 जहां जहां है n का वैल्यू x का वैल्यू पुट कीजिए, n इक्वल टू 4 4 c 0, p का वैल्यू कितना है बच्चे, p का वैल्यू देखिए 1/10 है तो इसको 1/10 लिखेंगे, और यहां पे 0, u का वैल्यू क्या है 9/10, n 4 - 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है, यहां से किसी भी संख्या के पावर 0 उसकी वैल्यू होता है 1, ये 1, इस वाले को 9 बटा कितना कीजिएगा 10, और 4 में से 0 तो 4 ही होगा। देखिए 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 में से 0 घटाएगा तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, और इनटू 9 बटा क्या होगा 10 पावर 4 होगा, इस वाले को काटिएगा तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 9/10 और n 4। यह नंबर क्या था, 6 था, कि कुछ किसी भी क्या करना है कि 10 बल्ब है, टोटल कितना 10 बल्ब है कि बॉल था, बॉल से जी बल्ब नहीं है, आपका थैले में गेंद है ना, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गेंद है, कितना टोटल है 10 है, और उसी 10 पर 0 से 9 तक लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि 4 अगर हम बल्ब लिख 4 गेंद निकालेंगे, चारों गेंद में से 0 नहीं शामिल होगा, तो कौन कौन शामिल हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही शामिल होगा, क्योंकि 0 पे शामिल होने के लिए नहीं बोला है, उसका ये बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 9/4, सीधी सी बात है 9/10, 9/10 बॉल निकाला जाए, बॉल 4, तो बॉल जो 4 निकाला गया उसकी पावर कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। अब संख्या हम लोग देखेंगे 7, नंबर क्या है 7 है।
देखिए नंबर सात है, नंबर सात की एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान ले कि एक विद्यार्थी की एक नया सिक्को को छाल कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चिन्ह प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है और यदि पट प्रकट हो तो असत्य लिखता है। यह यही बोला गया है आपसे कि नंबर ऑफ, जो देखिएगा नंबर ऑफ क्या है डिविजन, ठीक है, जो प्रश्न की संख्या है जे कितना है टोटल 20 है, तो यहाँ पे ns इक्वल टू कितना होगा 20 ही होगा, ns इक्वल टू कितना होगा 20 होगा और n बराबर जो होगा 20 होगा। एक विद्यार्थी है वह बोला कि 20 प्रश्न हमें मिला हुआ है तो एक हम सिक्का को छालेंगे, अगर हेड आएगा तो हम सही बोलेंगे और टेल आएगा तो आंसर क्या देंगे गलत देंगे। यहाँ पे सही बोला हुआ है आंसर और यहाँ पे गलत बोला हुआ है, तो ये आपको निर्धारित करना है कि n इक्वल टू टोटल 20 हो गया, इस वाले पर एक क्या है क्वाइन है, ठीक है सिक्का है, और उस सिक्का को कितनी बार उछाला गया है एक बार, तो इस क्या करेंगे टॉस वन टाइम्स, कितने टाइम्स बचे वन टाइम्स ना, तो वन टाइम्स अगर होगा तो ए देखिए एच और क्या होगा टी होगा, तो इसमें एन एस कितना होगा टू हो गया। अगर पी है, पी कहने के मतलब हेड पर, तो हेड वन बाई टू, और क्यू कहने के मतलब टेल पर, क्यू कहने का मतलब सीधी सी बात है कि वन में से क्या होगा पी को घटाया जाता है, वन माइनस वन बाई टू डेट इक्वल टू क्या होगा वन बाई टू, या पी को टेल भी बोल सकते हैं तो टेल इक्वल टू वन बाई टू होगा, ठीक है। उसके आगे बात बोला यही है कि इस वाले में वह कम से कम दो प्रश्नों का सही उत्तर देता है, इसमें थोड़ा हिंदी वाले में गलत है और इंग्लिश वाले में थोड़ा सही है। बोला क्या है कि एटलीस्ट, ठीक है कि एटलीस्ट 12 जो प्रश्न है उसका आंसर क्या देता है सही देता है, देखिएगा एटलीस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है 12 जो प्रश्न है मुझे क्या है 12 जो प्रश्न है, 12 जो प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर क्या देता है सही दिया है, क्या दिया है सही दिया है, इसका मतलब हम लिखेंगे सही है, डेट इज इक्वल टू एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 12, टोटल कितना है 20 है, और वह कम से कम 12 वो देता है तो 12 से अधिक भी दे सकता है ना, तो डेट इज इक्वल टू एक से एक क्या है 12। अब ध्यान से देखेंगे टोटल कितना है 20 है, टोटल संख्या कितना है 20 है, तो इसका यही मतलब पूछा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे ये बच्चे पूछा क्या है, थोड़ा और लिखेंगे तो p x इक्वल टू 12 भी होगा, p x इक्वल टू क्या होगा 12 भी होगा, प्लस p x इक्वल टू 13 भी होगा, p x इक्वल टू 14 भी होगा, और डॉट ऑफ क्या होगा p x इक्वल टू 20 भी होगा ना, x इक्वल टू 14 भी होगा और प्लस 15 16 17 18 19 20 तक होगा। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारा निकालना पड़ेगा, हमने इसमें एक बाइनोमियल जानते हैं, इस वाले को देखिए छोड़ दीजिए, अब लिखेंगे नाउ देखिएगा पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू क्या होते हैं बच्चे पी एक्स इक्वल टू एक्स और यहाँ से एन सी एक्स, पी के पावर एक्स, क्यू के पावर क्या है एन माइनस एक्स है, अगर पी एक्स इक्वल टू करते एन का वैल्यू 20 है, x का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू 1/2x और 1/2 और 20 माइनस x है, आगे सॉल्व करेंगे px इक्वल टू देखिएगा 20 होगा cx, इस वाले को दोनों पे क्या करेंगे एक ही तो लिखेंगे बेस और ये जोड़ेंगे तो x प्लस 20 माइनस x, इसको काट दीजिए px इक्वल टू क्या होगा x और 20 cx 1/2 पावर कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसलिए देखिएगा पी एक्स इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इक्वल टू 13 डॉट डॉट क्या करेगी जूचे पी एक्स इक्वल टू 20 आ रहा है समझ में ना, या अगर आप देखिएगा 12 13 14 15 16 को निकालिएगा थोड़ा समस्या बढ़ेगा ना आगे बहुत बड़ा चलेगा,
क्या सोचा कि यार बीच में डॉट आउट कर देते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक शामिल है। अब यहां से देखिएगा थोड़ा, x इक्वल टू 12, इस वाला में हम 12 रखेंगे, जहां जहां है वहां पे 12 रख दीजिए। अब की बार x का वैल्यू कितना रखिएगा, 13 रखिएगा, इस वाले में पुट करना है प्लस डॉट डॉट डॉट। अब की बार कितना रखना है आपको बताइए, लास्ट वाला रखेंगे 20, सी 20 रखेंगे और 1/2 के पावर 20। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/2 के पावर 20, 1/2 पावर 20, 1/2 सभी में है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 पावर कितना हो जाएगा 20। यहां से देखिएगा, इसको निकालिए तो 20c12 हो जाएगा, फिर 20c13 होगा, फिर क्या होगा 20c14 हो जाएगा, डॉट डॉट क्या होगा 20 और 20। यह नंबर आपका क्या था, 7 था, और 7 आपका कंप्लीट हो गया, बहुत आसान तरीका से कंप्लीट हो गया, आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। तो ध्यान देंगे कि अगर नंबर ऑफ क्या है, क्वेश्चन है 20 है, तो ए का 20 हुआ, और उस समय एक विद्यार्थी अपने सिक्का को छाल कर जो बोलता है कि हेड आएगा तो सही और टेल आएगा तो गलत आंसर दे दिया, तो पी इक्वल टू 1/2 मतलब 8 पर 1/2, टेल पर 1/2 आया। इस वाले को देखिए, एटलीस्ट मतलब 12 जो प्रश्न है उसका आंसर सही मिलता है, यानी कि 12 से 13 अधिक भी दे सकता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, इसका मतलब यही चीजें निकल के आया, इसका मतलब यही है कि 12, 13, 14, 15, 20 तक चलेगा। ये बाइनोमियल होता है, अगर हम लिखेंगे किससे लिखेंगे बताइए, बाइनोमियल से हम लिखे हैं, ठीक है। बाइनोमियल ये भी बोलता है कि आप देखिए बाइनोमियल px इक्वल टू इतना हो गया, हमने a का वैल्यू रख दिया और p और q का वैल्यू रख करके और इसको दोनों के एक लिख करके पावर को जोड़ेंगे बची है, इसीलिए अब इसको हम निकालेंगे, जहां पे x लिख रहा है 12 रखेंगे एक बार करके बीच में प्लस, फिर x के जगह पर 13, 1/2 के पावर 20, 1/2 के पावर 20 कॉमन कर लेंगे, जो बच गया वो आंसर क्या नंबर क्या था आपका, 7 था। अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे 8, तो नंबर आपके पास 8 है, 8 में यदि बोला गया है एक बाइनोमियल आपको पास दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ये 6 1/2 है और दर्शाना है कि x इक्वल टू 3 अधिकतम होगा, तो हां जी बच्चे देखिए ध्यान से, यहां से इंडिपेंडेंट लिखेंगे बाइनोमियल का, बाइनोमियल आपके पास दिया हुआ है और वह बाइनोमियल क्या है देखिएगा, b ये 6 और 1/2, ध्यान से देखिएगा जो पहला है वो 6 का काम करेगा तो a का होगा और दूसरा क्या है कि p के काम करेगा, सिंस q इक्वल टू 1 माइनस p होगा तो 1 माइनस 1/2, तो q का वैल्यू 1/2 आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे। उसमें आपको शोर्ड है क्या है दिखाना, यही है शोर्ड है कि x बराबर 3 इज क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होना चाहिए मैक्सिमम, लेट देखिए x का जो वैल्यू होगा, ठीक है x का वैल्यू कितना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, ऐसे 3 इधर से 3 इधर से कम कीजिएगा, बीच वाला हमेशा मैक्सिमम ही होता है, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या सही बात मैक्सिमम है, तो इस वाले को मैक्सिमम चेक करने के लिए बच्चे क्या करना है कि बाइनोमियल लिखना है, सिंस हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला px इक्वल टू होता है ncx p, ठीक है, और पावर x और p के पावर n माइनस x होगा, अगर हम x का वैल्यू कितना रखेंगे तो पता तो नहीं है, n का वैल्यू क्या है 6 है, 6 हो जाएगा, 6 क्या होगा 6 होगा, उसके बाद 1/2 x और 1 क्या होगा 2, 6 माइनस 6, 1/2 के पावर x, 1/2 के पावर, यह दोनों बेस सेम है, लिखेंगे c 6x और 1/2 x + 6 - 6 ये कटेगा, आपके पास मिला क्या px इक्वल टू x होगा और यहाँ से cx हो जाएगा 6cx और 1/2 के पावर 6 होगा आगे। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखा जाएगा नाउ देखिएगा ध्यान से, अब जीरो पर चेक कर लेते हैं, जहां पे x है वहां पे जीरो रख दीजिएगा, ये नंबर 1 है,
जीरो यहाँ पे सी जीरो वन बाई टू अब पावर सिक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस वाले को क्या लिखिएगा, जीरो सिक्स है, सिक्स का फैक्टोरियल, सीधी सी बात है कि एन सी जीरो तो इसका वैल्यू हुआ एन सी वन इक्वल टू ए और एन सी एन रहेगा तो इसका भी वैल्यू वन होगा। एन सी जीरो तो ए वन होगा, वन बाई क्या आएगा टू के पावर सिक्स आ जाएगा, इसको वन बाई क्या लिखिएगा चौसठ। उसके बाद पी एक्स इक्वल टू वन पर लिखिएगा तो बाई वन से सिक्स सी वन वन बाई टू हो जाएगा। बताइए जी आप ही यहाँ देखिए एन सी वन मतलब सिक्स सिक्स और वन बाई क्या होगा चौसठ, इसको काटिएगा तो दूसरे कटेगा तो थ्री बाई बत्तीस। उसके बाद x इक्वल टू टू लिखेंगे, x इक्वल टू क्या होगा टू पर चलेगा तो सिक्स और वन बाई टू पावर सिक्स होगा, ठीक है पावर क्या है सिक्स है। बाई वन से सब फ्रॉम इक्वेशन वन से चलना है। अब इसको सिक्स का फैक्टोरियल यहां से टू का फैक्टोरियल, चार छह में से दो घटाएंगे तो चार ही ना मिलेगा तो चार का फैक्टोरियल और इंटू वन बाई क्या आएगा चौसठ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल बटा वन इंटू टू और फोर का फैक्टोरियल, ये कटेगा यहाँ से इसको काटेंगे कितने बार में थ्री बार में कटेगा तब पंद्रह बटा कितना आएगा चौसठ आ जाएगा। आगे हम लोग पी एक्स इक्वल टू थ्री देखेंगे तो क्या होगा सिक्स सी थ्री वन बाई टू के पावर क्या होगा, देखिए सिक्स का फैक्टोरियल बटा क्या होगा थ्री का फैक्टोरियल, छह में से थ्री घटा के थ्री का फैक्टोरियल और इंटू वन बाई कितना होगा कि चौसठ होगा। समझ में आ रहा है ना चीजें, समझ में आएगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इस वाले को देखिए क्या लिखिएगा सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर बटा इस वाले में देखिएगा वन इंटू थ्री इंटू टू और यहाँ से थ्री का फैक्टोरियल ना यहाँ से लेते हैं ये थ्री का लिखा तीन दो लाख छः तो एक इंटू क्या है एक बटा चौसठ, यह कटेगा सोलह तो यानी कि फाइव बटा कितना आएगा सोलह आएगा ना। तो मेन आपका यह के मैक्सिमम मिल जाएगा बाकी सब जगह मिनिमम। तो x इक्वल टू फोर भी निकाल लीजिएगा और x इक्वल टू क्या आएगा फाइव भी निकाल लीजिएगा और x इक्वल टू हमने सिक्स भी निकाल लेते सिक्स सिक्स हो जाएगा और वन बाई कितना हो जाएगा जी दो पावर सिक्स हो जाएगा। दोनों जब इक्वल होता है तो उसका वैल्यू वन होगा तो वन इंटू क्या होगा वन बाई चौसठ यानी कि वन बाई चौसठ होगा ना। उसके बाद फोर पर निकालिएगा फाइव पर निकालिएगा फाइव पर निकालिएगा साइड ये सब मिलेगा। तो इस टाइप से अब देखिएगा कि ये हमेशा एक मैक्सिमम होता है देयरफॉर क्या लिखेगा पी एक्स इक्वल टू थ्री इज क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सभी को चेक हम नहीं किए, चार और पांच आप निकाल लीजिएगा ये बेचारा खुद आ जाएगा तो वन बाई चौसठ थ्री बाई बत्तीस पंद्रह बाई चौसठ और पांच बट्टा सोलह और वन बाई चौसठ और दोनों निकालिएगा तो कौन सा बड़ा होगा तो आपका x इक्वल टू जो थ्री पर हमेशा बड़ा होगा। जो यहाँ से देखिए इधर से थ्री गया इधर से थ्री गया तो बीच में जो आएगा वही मैक्सिमम होता है, जल्दी पकड़ने के लिए मैक्सिमम होता है। तो आज हम लोग देखें प्रश्न संख्या तीन से लेकर आठ तक, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अगले वीडियो देखने के लिए क्लास को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो प्रश्न संख्या नौ से लेकर जो भी आगे है पंद्रह तक कंप्लीट ही कोशिश करेंगे कि नौ से लेकर पंद्रह तक एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। आज शाम चार बजे वेक्टर चालू है, कौन सा चालू है जी आपका वेक्टर चालू है और यह केवल एग्जाम के लिए चालू है, ठीक है केवल क्या है एग्जाम के चालू है, टोटल चीजें बताया जा रहा है केवल एग्जाम के व्यू से। तो आप उस क्लास को देखने के लिए क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और 15 को लेकर।